हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या CBSE का जैसे टाइम टेबल चेंज हुआ है, वैसे ही CG का भी टाइम टेबल चेंज होगा क्या। तो ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, क्वेश्चंस थे, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों, आज यही चीज़ हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कि क्या CG बोर्ड का भी टाइम टेबल चेंज होगा। तो बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात तो ये समझने वाली है कि वैसे ही हमारे एग्ज़ाम बहुत लेट से हो रहे हैं, यानी कि 10th के अप्रैल में हो रहे हैं और 12th के मई में हो रहे हैं। तो वैसे ही हमारा एग्ज़ाम बहुत लेट से हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, हमारे अभी तक ऐसा कुछ भी डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। यानी कि ये आप तय मान के चलिए कि जिस डेट पे टाइम टेबल शीट डेट शीट रिलीज़ हुई है, अभी तक हमारे जो छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल जो बोर्ड है, वो यही सोच रहे हैं कि उसी समय सीमा में ही एग्ज़ाम पूरा करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग ये सोच कर बैठे हो कि टाइम टेबल चेंज होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, तो ऐसा ना सोचे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप बस जोरों शोरों से पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम डेट तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिख सके। मैं बस आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर डेट शीट इन केस अगर छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है चेंज हो, बट अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ अभी तक यही सोचा और समझा और निर्णय लिया गया है कि आपका डेट शीट यानी कि टाइम टेबल एग्ज़ाम का चेंज नहीं होगा। जो एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ किया गया है बोर्ड के द्वारा, ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा, वही टाइम टेबल में आपका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है और आपका उसी शेड्यूल में ही एग्ज़ाम होगा। और कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सेंटर में बाहर के टीचर्स आएंगे कि नहीं, तो देखिए ये इस बार एग्ज़ाम अपने ही स्कूल में लिया जाएगा, 10th और 12th बोर्ड का अपने ही स्कूल में लिया जाएगा, अपने ही टीचर्स तो रहेंगे ही। हो सकता है अगर टीचर्स कम पड़े तो आसपास के टीचर्स भी आएंगे, लेकिन हाँ आपके स्कूल के टीचर्स ज़रूर वहाँ पे मौजूद होंगे, ये मैं बता देना चाहती हूँ। और कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि उनका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो बच्चे अभी भी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल मेरे चैनल में अवेलेबल है, मैंने अपना वेबसाइट जो बनवाया है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप वहां जाके भी अपना पूरा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर मीडियम के लिए वहां पे सारे स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और असाइनमेंट के सॉल्यूशन, प्लस मॉडल आंसर यानी कि सैंपल पेपर के सॉल्यूशन सारे अपलोड हो रहे हैं और अधिकतर मैक्सिमम हो गए हैं। तो आप वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, www.apnacoolschool.com, ये है मेरे वेबसाइट का नाम। तो आप उसको देख जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का, क्लास 10th और 12th हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो परेशानी है उसका हल निकाल सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा, आपको बहुत सारा थैंक यू। और एक बात लास्ट में कहना चाहूँगी, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो ये है मेरा वेबसाइट, और जैसे ही आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे, आप मेन्यू में जाएंगे, तो आपको मिलेगा असाइनमेंट टॉपर्स कॉपी। यहाँ से आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो, 10th 12th दोनों की।
फिर आपको जाना है स्टडी मटेरियल में। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल में क्लिक करते हो, आपको मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, और अगर आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस में जाना है। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको सिलेबस में जाना है तो आप सिलेबस में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में चाहिए तो आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जी हाँ, और अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाके टेस्ट दे, अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं, और आप यहाँ से इजीली सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट के सारे पीडीएफ चाहिए तो 10th 12th असाइनमेंट के सारे सितंबर से लेके फरवरी तक के सारे असाइनमेंट के पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो कुल मिला के मैंने कोशिश की है कि आपको हर वो चीज़ आसान कर दूँ जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाए, और मेरा एक ही उद्देश्य है आपकी पढ़ाई को आसान करना, आपको 95+ स्कोर करवाना। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर रोज आकर इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा वेबसाइट का नाम है www.apnacoolschool.com। जैसे ही इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा वेबसाइट। आपको मेन्यू में जाना है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। थैंक यू सो मच।